चीज मैं बोलू, ये पहले जब गाड़ी लेने का माइंड सेट कर रहा था ना, तो सोच रहा था दादा मेरा पहला गाड़ी 5 लाख का है ना, तो दूसरा गाड़ी 10 लाख का अंदर ही लेना है। और होता है आदमी का पहले सोच सही ना, मगर जब ये गाड़ी देख ले। गुड आफ्टरनून, तो मैं सत्यनोराम दीवान रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ। बायपुरसन छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में नौकरी करता था एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप में। ये सिस्टम मुझको दिया मेरे दोस्त संतोष कुमार पटेल ने, जोरदार ताली होनी चाहिए। और वो दोस्त ने हमको ये प्रोजेक्ट दिया, काम करने स्टार्ट किए। जब काम कर रहे थे तो हमको एक गुरु मिला मीटर उमेश कुमार साहू, जोरदार ताली होनी चाहिए। अगर इस इंसान का हाथ नहीं होता तो रियल मैं आज इस मुकाम तक नहीं होता। इसके साथ साथ आगे बढ़ते चले गए, दादा का सपोर्ट मिला, सिंगी सिंह एसपी सिंह सर का सपोर्ट हम लोग को मिला, बहुत अच्छा गाइडेंस किया, आगे बढ़े। फिर ऊपर आए सूर्यदा का हम लोग को सपोर्ट मिला। मैं चाहूंगा तमाम गुरुओं के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी फिल्म सुपर डुपर हिट होती है तो उसमें हर इंसान का हाथ होता है। तो आज मेरा लवली चैंपियन टीम, उन लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो आज मैं पहले खरीदा था 2010 में 5.5 लाख रुपए का टॉप मॉडल का जेएसएल टॉप मॉडल का सेंट्रो कार खरीदा था। बहुत उसको चलाया, बढ़िया चलाया, खूब मजा आया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि भाई लोहा हर इंसान को सूट नहीं करता है। बहुत लोग ने बोला लोहा सूट नहीं करता है मत खरीद, लेकिन मैंने खरीदा, रगड़ के 12 साल चलाया, रगड़ के 12 साल चलाया, सोच के देखे बहुत अच्छा चलाया, बहुत अच्छा ड्राइव किया। इसके साथ साथ फिर मैंने जो मेरा सपना था ही नहीं कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी अपने लिए खरीद पाऊंगा, यहां से 19 जुलाई 2020 को मैंने 25 लाख रुपए का घर खरीदा। ये मेरे बिगेस्ट अचीवमेंट है। इसके साथ साथ फिर काम करना स्टार्ट किया, करते गया, सपना दिखाया गया, कार बहुत पुराना हो गया है, थोड़ा नया करना है। सर ने दिखाया यार ये गाड़ी खरीद लो, ये गाड़ी खरीद लो। मैं तमाम रायपुर में जितने भी शोरूम है सब शोरूम में जा करके देखा टटोला कि कितने का होगा, बार्गेनिंग किया, सारे चीज किया। लेकिन रियल में दादा भी सही बोले कि जो कुछ होता है सपना होता है, बजटिंग नहीं होता है, सपना होता है। यस सर, तो यहां से हमको दिखाया गया कि किया करेंस खरीदना है। मैं बैठ करके देखा, इमेजिंग करके देखा, रियल में बहुत बेहतरीन गाड़ी। हम लोग ने गाड़ी बुक कर दिया, 5 महीने बाद हमको गाड़ी आने का बात हुआ, तो हमको 3 दिन पहले पता चला कि आपका गाड़ी आ गया। हमने तुरंत दौड़ करके आया, गाड़ी दिखाई है, दिखाने के बाद बता सर वो तो गाड़ी किसी और को दे दिया गया। मैं बोला मेरा दिमाग खराब, मैं बोला कॉन्फ्रेंस लिया सर से, सर एक बार बात करिए भाई, मैं अगर नहीं खरीदता तो 5 महीने पहले बुक क्यों करता है ना। तो मैं किसी भी तरह से उससे बात करके तुरंत हम लोग बोले सर कल से प्रोसेस कर लिए हो जाएगा। तो हम लोग एकदम अड़ गए थे, हमको अब भी चाहिए गाड़ी। 5 महीने बुक कराने का मतलब क्या समझते हो, कि नहीं खरीदना है? अरे नहीं खरीदने रहता तो उसी समय बोल दिया होता, हमको अब भी चाहिए गाड़ी। तो बोला शाम को 7 बजे बोला ठीक है सर, अब कल सुबह आ जाइए, आपको प्रोसेस स्टार्ट करिए, आपको मिल जाएगा। तो 6 जुलाई 2022 को ये इंसान जो जिसकी औकात नहीं है, कभी सोचा नहीं था, उस गाड़ी को मैं जो है 6 जुलाई 2022 को 17.5 लाख रुपए का कार किया करेंस खरीद पाया। ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ जब इस गाड़ी को ला रहे थे ड्राइव, मैं 2 दिन तक चलाए नहीं गाड़ी को, दादा पूछा भी कैसे रहा गाड़ी, बोले दादा उसको तो छुआ भी नहीं हूँ, चलाया भी नहीं, सिर्फ बैठा हूँ। दूसरे क्यों? क्योंकि घर के सामने पोर्च रहता है, वो नाली जो रहती, नाली टूट गया उसके वजन की वजह से। तो मैंने पूछा यार वजन तो बहुत हो, गाड़ी में बहुत वजन, इस वजह से टूट गया। तो दूसरा दिन मैंने उसको फिर बनाया, बनाने के बाद धीरे से पैक करके निकाला, जब चलाया तो रियल में मैं वो फील कर रहा था, कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान के नॉर्मल लोगों की औकात नहीं है। तो जैसे आज मैं एकदम नॉर्मल इंसान हूँ, कभी औकात नहीं है। ये इंसान जब चलता है ना, एक ही चीज समझ आता है यार, आज ये इंसान जो है ना
जो गाड़ी चल रहा है वो गाड़ी रियल में करोड़पति वाला अनुभव होता है। इसके साथ साथ लोग मेरा मॉर्निंग वॉक जाने का आदत है दोस्त, मॉर्निंग वॉक जाने का आदत है, रेगुलर जाता हूँ। तो लोग पहले मैं पैदल जाता था, उसके बाद साइकिल में जाना स्टार्ट किया, फिर बाइक से जाना स्टार्ट किया, फिर स्कूटी से जाना स्टार्ट किया, लेकिन आज ये बंदा जो है किया करेंस से जाता है। किया करेंस से बहुत सारे लोग हमको कमेंट किए, बहुत सारे लोग बोले यार इतनी बड़ी गाड़ी क्यों खरीदा। अभी रविवार की बात है, रविवार को बहुत सारे लोग बोलबम गए, सुबह 7:30 बजे के ट्रेन से बोलबम गए झारखंड के, उसमें तो मेरे गांव के 72 लोग आया। मैं बोला सबको विदाई करने में आता हूँ किया करे, उसमें आया बहुत सारे लोग, भीड़ हो गया, देखने लगा। एक बंदा बोलता है सर भैया इतनी बड़ी गाड़ी क्यों खरीदा। मैं बोला यार मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, करना है तो करना, नहीं करना नहीं करना। नहीं सर लेकिन बहुत बड़ी गाड़ी है, इसका ईएमआई कितना है। बोले तुम्हारा सोच से बाहर है, तुम्हारा सोच से बाहर है, मत सोचो। नहीं सर इतनी बड़ी गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए। मैं बोला सुन तू जाते यादव ना, भैया यादव अगर होंगे बुरा ना मानना, मैं उसको बोला था। तो बोले जाते यादव ना, बोले हाँ भैया। तू तेरे घर में भैंस है, बोले हाँ भैया है। दूध दूहता है, बोले हाँ भैया दूहता हूँ। तो उनको चारा कितना खिलाता है, वो बोला सर जितना चारा खिलाऊंगा उतना ज्यादा दूध देगा। तो मैं बोला सुन मेरा गाड़ी जो था पुराना हो चुका था, दूध कम दे रहा था। मैंने सोचा कि अगर बड़ा वाला भैंस लूंगा तो ज्यादा दूध देगा, ये सुनो। तो मैंने उसको यही नहीं समझाया, तो बोले सर ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर, आप 100% कामयाब हो गए। तो आज ये बंदा जो है बहुत सारे लोग जब देखते हैं ना, जब गाड़ी निकलता है हर इंसान का नजर ऐसा पलट के रहता है कि ये बंदा जा रहा है। क्योंकि मेरे गाँव में 4 लोग करोड़पति लोग है, खानदानी वाला, खुद की नहीं, खुद की नहीं, खानदानी वाला, बाप का दिया हुआ, दादा का दिया हुआ, बाबा का दिया हुआ, 4 लोग है। उन लोगों की कभी औकात नहीं है, लेकिन आज ये बंदा एक नॉर्मल स्मार्ट लुक करने वाला इंसान ये जो है 18,50,000 रुपए का किया करेंस पे चलता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद कुछ लोग ने हमको टोका, बोला तू क्या करता है, क्या करता है समझ नहीं आता है। मैंने बोला मैं क्या करता, मेरे खुद को समझ नहीं आता था, क्या बताऊं। मेरी मैडम बोलती थी क्या करते हो, समझ नहीं आता। मैडम मैं क्या करता, मेरे खुद को समझ नहीं आता। मैं अपने बच्चों को बोलता मैं क्या करता हूँ, बोला हमको नहीं पता। बीच बीच में लफड़ा भी हुआ, दादा लोग को पता है। अच्छा हो गया दादा दिल्ली बुला लिया, दादा मेरा जीवन सफल हो गया। दिल्ली बुला लिया तो जीवन सफल हो गया, आज बिंदास रहते हैं। तो लोग बोलते हैं क्या करता है, मैं बोला 14 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ किया करेंस किया, सिर्फ किया करेंस किया। तो दोस्त आज मौका मिला हुआ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, 4 स्टेप करके आए हुए, एक ही चीज यहाँ से कसम खा करके जाइए, कुछ भी हो जाए करेंगे तो स्मार्ट लू, नहीं करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, ये सोच के जाइए, ये ड्रीम बना के जाइए, 100% सक्सेस होगा। यहाँ से मैं कमिंग कर दिया था 100% सपना कम्प्लीट होगा। और दादा ने जब गाड़ी निकल रहा था, दादा फोन किया, दादा जस्ट गाड़ी निकलने वाला है, दादा एक ही चीज बोले कि ठीक है ये गाड़ी तो आज निकल रहा है, यहाँ से सपना बना करके जा, आने वाला 5 साल में आपको बंगलो बनाना है, ये दादा बोले हैं। 100% दिल में रख करके मैं कसम खाता हूँ कि आने वाला 5 साल में बंगला ये बंदा बनाएगा, मतलब बनाएगा। ओके थैंक यू।